मध्य प्रदेश को आज मिल गया है अपना मुख्यमंत्री, डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश को दो दो उप मुख्यमंत्री मिले हैं जिनमें से एक है विंध्य के बड़े नेता राजेंद्र शुक्ला। आइए जानते हैं राजेंद्र शुक्ला कौन है और इनकी क्या विशेषता है, क्यों पार्टी ने इन्हें चुना होगा, आइए इस पर भी नजर डालते हैं। रीवा विधानसभा क्षेत्र में विधायक राजेंद्र शुक्ला को कद्दावर नेता के तौर पर जाना जाता है। साल 2003 में पहली बार उन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा और ये चुनाव जीता भी था। इसके बाद लगातार वो रीवा से चुनाव जीतते आए। साल 2018 में चौथी बार और 2023 में पांचवी बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठे राजेंद्र शुक्ला सबसे पहले उमा भारती की सरकार में मंत्री बने थे। इसके बाद बाबूलाल गौर की सरकार में भी उन्हें मंत्री पद दिया गया। शिवराज सिंह चौहान की जो कैबिनेट थी उसमें भी वो राज्य में कैबिनेट मंत्री के तौर पर उन्हें स्थान दिया गया। आपको बता दें, अब 2003, 2008, 2013 और 23 में मंत्री रह चुके हैं। अब आपको ये बताते हैं कि कब उन्हें कौन सा पद मिला था। बात करते हैं 2003 की। पहली बार रिकॉर्ड वोटों से विधानसभा चुनाव जीतने वाले राजेंद्र शुक्ला को कौन सा मंत्री पद मिला था ये जान लीजिए। सबसे पहले 2003 में जब उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा और विधानसभा चुनाव जीते तो राजेंद्र शुक्ला को आवास और पर्यावरण राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया गया था। इसके बाद 2008 में वो रीवा विधानसभा क्षेत्र से दूसरी बार जीते। उन्होंने इस बार उन्हें ऊर्जा और खनिज संसाधन मंत्री बनाया गया और मंत्री परिषद में शामिल कर लिया गया। बात करते हैं 2013 की, तो मध्य प्रदेश की 14वीं विधानसभा में चुनाव जीत कर आने वाले राजेंद्र शुक्ला को इस बार उद्योग नीति और निवेश संवर्धन मंत्री बनाया गया। इसके अलावा उन्होंने जनसंपर्क विभाग भी संभाला था। 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन 2020 में जब ये सरकार गिरी और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो 2023 में भी राजेंद्र शुक्ला को मंत्री बनाया गया, यानी कि चौथी बार कैबिनेट में उन्हें जगह दी गई। इस बार शुक्ला को उद्योग नीति और निवेश संवर्धन मंत्री बनाया गया। इसके अलावा उन्होंने जनसंपर्क विभाग भी संभाला। राजेंद्र शुक्ला जो है वो एक्स यानी कि ट्विटर प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो अपने सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहते हैं। हम आपको उनकी एक ऐसी जानकारी भी आपके साथ साझा करना चाहते हैं कि उन्हें आखिर डिप्टी सीएम पद से क्यों नवाजा गया। पहली बात तो वो विंध्य क्षेत्र से आते हैं। विंध्य क्षेत्र में अगड़ों की राजनीति यानी कि ब्राह्मण जो बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर ब्राह्मणों का बाहुल्यता है और विंध्य क्षेत्र में हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलता रहा है। इस बार विंध्य क्षेत्र से शुक्ल को डिप्टी सीएम बनाया गया है और ब्राह्मणों को साधने के लिए भी ऐसा किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि राजेंद्र शुक्ल एक निर्विवाद व्यक्तित्व के धनी हैं, यानी कि वो कुछ भी ऐसा नहीं कहते या करते जिससे कोई विवाद उत्पन्न हो जाए। इतने सालों में लगातार मंत्री पद पर रहने के बावजूद उनके नाम से कोई बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी नहीं जुड़ी है। यही वजह है कि इस बार मध्य प्रदेश में उन्हें डिप्टी सीएम पद से नवाजा गया। VK News, राष्ट्र के नाम।